आज की डिश है पिंडी छोले, और इनको बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये रहा सामान पिंडी छोले बनाने के लिए। हमें तेल चाहिए 3 से 4 टेबल स्पून। 250 ग्राम हमने काबुली चना लिया है, सफ़ेद चना, उसको रात में भिगो लिया है। कम से कम 7 से 8 घंटे इसको भिगोना है और फिर पानी निकाल देना है। 1 टेबल स्पून चाय पत्ती लेंगे, 1 टेबल स्पून इमली का पानी लेंगे, अनारदाना 1 टेबल स्पून पिसा हुआ है, कसूरी मेथी 1 टी स्पून, और जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और साबुत लाल मिर्च है जिनको हम बीच में से एक चीरा दे देंगे, 2 से 4, 1 से 2 तेज पत्ते, 5 से 6 हरी इलायची, 2 से 4 काली इलायची, 1 से 2 दालचीनी के 1 इंच के पीस, और 8-10 लौंग, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, साबुत जीरा 1 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून या स्वाद अनुसार, अमचूर 1 टीस्पून, और काला नमक भी लेंगे 1/2 टीस्पून, हरा धनिया तकरीबन 2 टीस्पून, और जिंजर कुछ गार्निश के लिए जूलियन करके, और 1/2 लीटर पानी लेंगे। तो एक कपड़े में चाय पत्ती डालते हैं, दालचीनी और लौंग डालते हैं, और तेज पत्ता, हरी इलायची और काली इलायची भी डाल देते हैं, और इस पोटली को हम बांध लेते हैं। इसको हम जो चने हैं या छोले हैं उसके साथ में उबालेंगे। तो कुकर में डालते हैं काबुली चने, डालते हैं 1/2 लीटर पानी, और पोटली डाल के कुकर को बंद कर देंगे। गैस को रखेंगे फुल पर, और सीटी आते ही गैस को कम करेंगे और 15 मिनट और इसको पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, गैस को करते हैं बंद, और कुकर ठंडा होगा तो इसको खोलेंगे। अब कुकर खोलते हैं, और सबसे पहले जो पोटली है उसको हम निकाल देते हैं। अब इस पानी को अलग से निकाल कर हम बचा लेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे, और चने कढ़ाई में निकाल देते हैं। तो ये चने हमने कढ़ाई में निकाल दिए, पानी अलग से कर दिया, और अब मसाले डालेंगे इसमें। तो पहले जीरा डालेंगे इसमें, साबुत जीरा, हल्दी पाउडर, इसको अच्छी तरह से ऊपर सब तरफ फैलाना है हमने, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सब मसालों को अच्छी तरह से सब तरफ फैला लेना। अमचूर डाल दिया हमने, अनारदाना भी, ये कसूरी मेथी, पैन को रखते हैं फुल हीट पे, डालते हैं तेल, और तेल हमारा गर्म हो जाता है, इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट और हरी मिर्च, और इसको हमने भून लेना है जब तक अदरक और लहसुन भून नहीं जाता। तो ये अदरक और लहसुन भून गया, इसको डाल देते हैं हम मसाले के ऊपर, यानी कि चनों के ऊपर जो मसाला है उसमें, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे वो पानी चनों का जो हमने बचा कर रखा था कुकर में से, तकरीबन 1 कप हम डालेंगे। स्टर कर लेते हैं, और इसमें हम डाल देंगे अब नमक और काला नमक। गैस को हम फुल पे रखेंगे और उबाला आने देंगे। जब तक उबाला आता है तब तक हम इमली को मसल लेंगे पानी में, और जो पानी है वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से स्टर कर देते हैं इसको, और अब उबाला आ गया है, हम
गैस को करते हैं कम और इसको ढक देते हैं। 5 मिनट बाद में इसको चेक करेंगे, गैस हमने लो पे कर दी। अब उबाला आने के बाद में ये तकरीबन सारा पानी हमने सुखाना है। अब 5 मिनट हो गए हैं, चनों को हम स्टर कर लेते हैं और चेक कर लेंगे कि चने जो हैं वो पक गए हैं या नहीं, यानी गले हैं या नहीं। तो चने हमारे गल चुके हैं, अब दोबारा ढक्कन लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें हरा धनिया डाल देंगे इसमें, और चाहे तो इस वक्त नमक भी चेक करें, लेकिन नमक थोड़ा पानी कम हो जाए तब चेक करें ज़्यादा अच्छा है। इसको अच्छी तरह स्टर कर लेते हैं, फिर ढक्कन लगा देंगे और इसी तरीके से हम जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता हर 3-4 मिनट के बाद में इसको चेक कर लेंगे। तो अब छोले तैयार हैं, पानी सूख चुका है, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा कम है, इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और गैस बंद करके इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम एक सर्विंग बोल में। हमारी ये डिश बिल्कुल तैयार है। तो ये रही आज की डिश पिंडी छोले, इसको ज़रूर बनाएं, गार्निश करें थोड़े से जिंजर जूलियन से, इसे ज़रूर बनाएं, हमें बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शीघ्र मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई डिश के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।